is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening. Pakistan. Well, it's an explosive statement made by Pakistani Army Chief, who has now admitted to meddling in India's affairs, saying that Pakistan will continue to provide moral, diplomatic and political support. यहाँ ये कह रहा है मॉरल नैतिक पॉलिटिकल राजनीतिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम प्रोवाइड करते रहेंगे. मिलिट्री सपोर्ट का नाम लेना भूल गया, ये भूल नहीं गया, डर लग रहा है. इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिस्टम ने जो इसकी ऐसी तैसी मारी है ना. आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं आपने ये डिफाइन करना है. अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते. अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं. कि अगर ये सारे मामला बिल्कुल ऐसे ही होते, सिर्फ एक फर्क होता कि जो मुतासर लोग हैं मुसलमान ना होते तो दुनिया में आज शोर होता. तो ये परेशान कौन बात नहीं है क्या? फिर भी आलमी बिरादरी भारत के हवाले, ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक्स को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्टली वो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे हैं इंडिया के जेब से. तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे और पाकिस्तान को फायदा दे. वो फवाद चौधरी टप्पू जी जो है वो भी हीरो है, उसने भी बोल दिया कि मोदी वापस ना आए. घबराए हुए हैं सबके सब, घबराए पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी घबराया हुआ है. आर्मी तो बुरी तरह से घबराई गई है मोदी के आने के नाम से, इसीलिए तो काफी टाइम से कश्मीर का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब की बार लिया. इज इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर. द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड ओवर कश्मीर इज डेफनिंग. बट वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड मॉरल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू द पीपल ऑफ कश्मीर टिल द डे दे आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. कश्मीर के मुद्दे पर डिप्लोमेटिक हार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है. हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक स्पीच के दौरान कहा कि पूरी दुनिया आज के समय कश्मीर को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जो कि निराशाजनक है. बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी चीफ ये बोल रहा है कि आज पूरी दुनिया कश्मीर मामले पे चुप है, न टर्की हो चाहे चाइना हो. हाल ही में आए ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कश्मीर पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया था. ये सब पाकिस्तान आर्मी चीफ अपनी जनता के सामने खुद मान रहे हैं. भारतीय डिप्लोमेट्स का मानना है कि जनरल मुनीर ने कश्मीर पर यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के बाद अब पाकिस्तान में भी चुनाव के बीच कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहता है. पाकिस्तान को ये पता है कि लोकसभा चुनाव में कश्मीर के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरी जनता यह जानती है कि उन्हें कहां जाना है और इस तरह के भाषण भारत पर कोई असर नहीं होगा. पाकिस्तानी सेना चाहती है कि भारत के लोकसभा चुनाव के बाद अगर कोई फिर बातचीत की संभावनाएं होती हैं तो वार्ता की मेज पर हम कमजोर ना दिखें. यही है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख लगातार भारत के खिलाफ हमलावर कर रहे हैं. वही शहबाज शरीफ की सरकार पर पाकिस्तान के बिजनेसमैन दबाव डाल रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए. आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं. आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कल एक फंक्शन में गए थे एयरफोर्स के, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फंक्शन में. क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ इस समय सर पे सर हो चुके, न प्राइम मिनिस्टर कुछ है, न प्रेसिडेंट कुछ है, आर्मी चीफ ही सब कुछ है. एयरफोर्स चीफ का काम भी वही कर रहे हैं. तो एयरफोर्स के फंक्शन में पासिंग आउट परेड थी शायद, तो एयरफोर्स के फंक्शन में आर्मी चीफ गए थे. ये होता है, ये पाकिस्तान की खूबी है. आसिम मुनीर पहुंचे थे वहां पर और पहुंच के वो बोले कि हम मॉरल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहेंगे कश्मीर को. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उन्हें अपने हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलता दिख रहा था. उन्हें दिख रहा था उन्हीं के लोग बोलते हैं कि अब मोदी की नजर पड़ चुकी है तो मोदी लेके रहेगा. मोदी वापस आते हुए दिख रहे हैं. कल वो डब्बू जी नहीं है, वो जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वापस नहीं आना चाहिए मोदी को. हालांकि इंडिया के लोग चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बोला जा रहा था कि वापस नहीं आना चाहिए. इस स्टेटमेंट से पहले जो बातचीत हुई होगी पाकिस्तानी अंदर, पाकिस्तानी हलकों में, वो ये हुई होगी कि पाकिस्तान, उनकी इंटेलिजेंस ने बताया होगा कि मोदी वापस आ रहे हैं, अब हम क्या करें. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए. मोदी वापस ना आए, घबराए हुए हैं सबके सब, घबराए पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी घबराया हुआ है. आर्मी तो बुरी तरह से घबराई गई है मोदी के आने के नाम से, इसीलिए तो काफी टाइम से कश्मीर का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब की बार लिया. टीटीपी ने 96 हमले किए, हर दिन में 3. ये आर्मी चीफ अपनी कंट्री को नहीं बचा पा रहा. उसकी पहला काम क्या है? कंट्री की सेफ्टी. वो सेफ्टी नहीं कर पा रहा. एक दिन में 3 हमले हो रहे हैं पूरे कंट्री में, सिर्फ टीटीपी बलूचिस्तान अलग कर रहा है. लेकिन वो जाके बोल रहा है कि हम
कश्मीर को मॉरल सपोर्ट देते हैं, आप सपोर्ट क्या दोगे, तुम्हारे अपने कंट्री में लोग मर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज, इंडिया कुछ बोले ना बोले इस मामले में, लेकिन भारतीयों का सपोर्ट बलूचिस्तान को है। इंडियन गवर्नमेंट चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, मुझे नहीं पता, ओपन में सपोर्ट आना चाहिए, लेकिन इंडियंस का सपोर्ट तो है और इंडियंस इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं इस बलूचिस्तान को कि इंडियंस बोलते हैं कि हम, हमारा दिल आपके साथ है। इसका मतलब ये कि दुनिया ने ये मान रहा है, अनजाने में सही ये मान रहा है कि दुनिया ने पाकिस्तान की बात सुनना बंद कर दिया है कश्मीर के मामले में, और जहां जहां पर ये कश्मीर के मामले में शोर मचा रहा है वहां वहां पर इसे लात पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अभी ये अमेरिका गया तो अमेरिका की तरफ से कश्मीर के मामले में किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट देने से मना कर दिया गया, बस ये है कि बीच बचाव के रास्ते के लिए एक लीपापोती सी कर दी गई। ये बंदे सऊदी, ये पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया पहुंचे तो सऊदी प्रिंस ने तो कश्मीर का नाम मेंशन तक नहीं होने दिया और साफ कह दिया बायलेटरल मामला खुद निपटा लो वरना दफा हो जाओ। ईरान के जो रईसी पहुंचे थे, ईरान के रईसी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि देखो भैया सीधी सी बात है, पाकिस्तान और कश्मीर का मामला तुम संभालो, उन्होंने कश्मीर का नाम लेने से मना कर दिया। सिर्फ 3 शब्द कश्मीर के आए, वो भी पाकिस्तान की तरफ से बोले गए, ईरान के रईसी ने तो पाकिस्तान के उसके अंदर बोलने से भी मना कर दिया और कहने लगे कि हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट जारी रखेंगे। आर्मी चीफ आर्मी का सपोर्ट जारी नहीं रखेगा और ये कहते हुए भी हिचक रहा है, इसका मतलब बड़ा कुछ बदलाव आ चुका है या हो सकता है कहीं अलग ही लेवल पर दबाव में है। इस बंदे ने, इस घटिया इंसान ने बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनवा के अंदर फाटा में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी मसैकर कर रही है, जिस तरीके से मेहरंग बलोच का पूरा ग्रुप रोते हुए उठ के चला गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। खैर यही दोगलापन होता है, दूसरे को कश्मीर तो बहुत खुश है, बहुत शांत है, सेलिब्रेट कर रहा है और रिकॉर्ड वोटिंग होती हुई नजर आएगी इस बार, और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में और अमित शाह जी की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उस चीज से पाकिस्तान खुद डिमोरलाइज्ड है, और जिस तरीके से भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके स्टेटमेंट से पूरे पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई थी जब उन्होंने कहा था कि हां हम कश्मीर पर बात करेंगे लेकिन हम पाक ऑक्यूपाइड वाले कश्मीर पर बात करेंगे, ना कि इंडिया वाले पार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो पाकिस्तान कब खाली कर रहा है ये बताएं। इस चीज ने इनके पेट खराब कर दिए, यूनाइटेड नेशंस की औकात नहीं है, और वहीं अगर यूरोपियन यूनियन की देखें तो उसकी औकात नहीं है। चाइना भी कश्मीर के मामले में खुलकर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ये ताकत, ये चीज साफ नजर आ रही है कि भारत की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर के सामने दुनिया जो है वो नतमस्तक है, और अब अनजाने में सही, या यूं कहें साइलेंटली सही, शांत तरीके से कही सही, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह मान लिया कि हाँ भारत आगे निकल चुका है। स्मगलर कहे मैं कमी लाऊंगा, वो चर्स स्मगल कर रहा हो, हेरोइन स्मगल कर रहा हो, उसमें वो 1 किलो कमी ले, कमी क्या हो, इस्लामी जमहूरिया या नाम बदलो या अपने अपनी सोच बदलो, अपने अल्फाज बदलो, उनकी तरतीब बदलो, कमी क्या लानी, और शाह कौन है यहां। कश्मीर का राग अलाप रहे पाकिस्तान को हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ा झटका दिया था, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के झूठ को बेनकाब कर दिया था। शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर ईरानी राष्ट्रपति से बयान दिलाना चाहा था लेकिन उन्होंने किनारा कर लिया। बाद में पाकिस्तानी और ईरान के एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कश्मीर मुद्दे का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से कश्मीर जनता की इच्छा के मुताबिक करने का आह्वान किया था। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, यही वजह है कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत का कश्मीर कितना आगे निकल गया है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे जो भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय कश्मीर को देख अब पीओके में भी प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। अब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमें भारत से मिलना है। आज के लिए इतना ही, आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।